हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग एक जगह पे आए हैं वेकेशन के लिए, दो दिन के लिए। तो ये इगतपुरी में एक रिजॉर्ट है, वहाँ हम लोग आए हैं। एक्चुअली हम लोग घर से निकले 1 o'clock और 2 बजे तक यहाँ पहुँच गए। जस्ट 1 hour की ही दूरी है नासिक टू इगतपुरी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है नेचर्स ड्रीम। तो यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया, टेंट हाउस लिया है। यहाँ पे कॉटेज है, वुडन कॉटेज है, टेंट हाउस है एंड नॉर्मल कपल रूम्स भी है, लेकिन हमने तो टेंट हाउस ही लिया है। फिर पूरा दिन में मैं क्या क्या करती हूँ यहाँ पे, क्या क्या वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले लंच करते हैं क्योंकि अभी 2:30 हो रहा है। ये रिजॉर्ट बहुत सारे ग्रीनरी से भरे हुए थे, सारे प्लांट्स वेल मेंटेन थे, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी थे जो कि जिसमें फूल भर भर के हुए थे। बहुत टाइम के बाद हमारा खाना आ गया, तो हमने ऑर्डर किया है चिकन मराठा और रोटी, फिर जीरा राइस लास्ट को थोड़ा सा ऑर्डर किया है, वो आएगा लास्ट को। खाना जस्ट हो गया हमारा, थोड़ा वेट करना पड़ा, वो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं खाना देने में, लेकिन ठीक है, पेट एकदम भर गया है। अभी थोड़ा सा घर पे, रूम पे, एक्चुअली रूम पे, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर जाना है स्विमिंग पूल। रेस्टोरेंट से आते वक्त एक प्ले एरिया आता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा कैरम खेल के फिर वापस आए। बैठ के हम लोग कैरम खेल रहे थे, मिठी और मैं एक टीम थे और रुद्र एक टीम थे, तो रुद्र तो जीत गए, हम लोग हार गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम को, फिर वहाँ से जाएंगे स्विमिंग पूल। 4 बज रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लेट होगा तो फिर ठंड लगेगी, थोड़ा टाइम अभी जाके आ जाएंगे। अभी हम लोग रेडी हो गए, जाएंगे अभी स्विमिंग पूल। मम, मम, आज तो मैं पूल के अंदर जाना है। सर डुबा के नहीं। स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच गए, पानी थोड़ा सा ठंडा था लेकिन हम सबने बहुत एंजॉय किया वहां पे, ज्यादा भीड़ भी नहीं था वहां पे। स्विमिंग पूल से आने के बाद बहुत ठंड लग रही थी, घर पे जाके चेंज वेंज करके थोड़ा टाइम रेस्ट लिया। हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह कुछ तो ऑर्डर करेंगे और थोड़ा सा स्नैक्स लेंगे। अभी अंधेरा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, फिर आपसे कल मिलूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड डे। और अभी 8 o'clock हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं वॉक करने के लिए। सोच रहे थे यहाँ पास में एक नदी है वहाँ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं, मिट्टी तो उठ नहीं रही है, तो देखते हैं थोड़ा इधर ही वर्क करते हैं, फिर मीठे उठने के बाद थोड़ा लेट होगा अगर वहाँ जाएंगे। ये रिजोर्ट जो है इगतपुरी के गांव में है और हम लोग सुबह निकल पड़े बिना कोई डेस्टिनेशन जाने वॉक के लिए। सुबह का वक्त था और धूप भी हल्की हल्की थी और ऐसे ही नेचर एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और कुछ पता नहीं था कहाँ पे रास्ता किधर जा रहा है, हम लोग कहाँ जाके पहुँचेंगे, बस ऐसे ही नेचर को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते गए। तो
थोड़ा टाइम आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे एक खेती मिला, वो कुकुम्बर की खेती थी। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे। उनसे बात करने के बाद फिर वो हमें अलाउ किए थोड़ा सा कुकुम्बर लेने के लिए। तो यहाँ पे जो कुकुम्बर थे ना, खेती से डायरेक्ट हमने लेके आए, तो वो एकदम ही फ्रेश थे। वॉक करके बहुत नीचे गए थे, गांव के अंदर गए थे। बहुत सारा घर नहीं था लेकिन खेती था वहाँ पे। कुकुम्बर तो लेके आए अपने, देखा टमाटो का खेती भी था, तो वो सब घूमते हुए अभी थक गए हैं। फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद मैं फिर दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूंगी, जो कि ये जो प्रॉपर्टी है उसका मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी, कैसा है, प्रॉपर्टी का चार्जेस क्या है, सब मैं डिटेल में दिखाऊंगी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। सुबह वॉक करने के बाद फिर बहुत लग रही थी, हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने। वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था, ब्रेड बटर जाम तो था ही, उसके पोहा था, उपमा था, साबुदाना खिचड़ी और ब्रेड कटलेट था। फिर वो खाना हमने अच्छे से खाया। और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं ये प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगी, तो सेकेंड पार्ट के लिए वेट कीजिए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। अगर आप ये रिजॉर्ट को पहले आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट। ये है हमारा टेंट हाउस, और चलिए इसके अंदर का जो रूम टूर है वो मैं दिखाती हूँ आपको।